सो गाइस, अगर आप अपने घर में यहाँ पे डेन ब्रॉडबैंड लगाना चाहते हो या फिर डेन ब्रॉडबैंड लगाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना, बिकॉज इस वीडियो में आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डेन ब्रॉडबैंड लगाने के लिए आपको कितना इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है, कौन कौन से यहाँ पे रिचार्ज के प्लान है, कैसा आप लोग को सर्विस मिलता है, तो फुल जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन चार्ज के बारे में कि कितना हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है और कौन कौन से डिवाइसेस हमको इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंस्टॉलेशन चार्ज एरिया टू एरिया थोड़ा सा डिफर करता है। मेरे एरिया में कुछ और यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, आपके एरिया में कुछ और होगा, मेरे एरिया में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपके एरिया में थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो है आपको अपने लोकल ऑपरेटर जो भी मतलब डेन सप्लाई करते हैं डेन का ब्रॉडबैंड, उनसे बात करके पता करना होगा। फिलहाल मेरे एरिया में अभी 3,500 यानी कि 3,500 रुपीज का कनेक्शन मिल रहा है। सो गाइज, अगर आप डेन का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो आपको कुछ इस तरह का डिवाइस सेटअप मिलेगा। एक्चुअली में आपको दो डिवाइसेस मिलेंगे, एक जो होगा आपका मेन राउटर होगा जिसके थ्रू आप वाईफाई एक्सेस कर पाओगे, और एक जो होगा वो यहाँ पे ONT होगा यानी कि ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। इसी में जो है फाइबर केबल आके लगेगी और इसके द्वारा ही आपको राउटर में जो है इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ONT में आपको सबसे पहले यहाँ पे जो नेटवर्क केबल आती है फाइबर केबल वो लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है, उसके बाद लैन केबल दिया गया है जो राउटर से यहाँ पे कनेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है पावर केबल के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है और एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है जिससे आप इस डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ बात करें यहाँ पे राउटर की, तो राउटर जो है एक अच्छा राउटर मिलता है टेंडा की तरफ से जिसमें दो एक्सटर्नल एंटीनाज हैं और पीछे आपको लैन पोर्ट और वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पे रिसेट का स्विच भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। और पीछे आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, बस इसका मॉडल नंबर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दूसरे कंपनी में आपको सिर्फ एक ही डिवाइस मिलता है जिसमें राउटर और ONT इनबिल्ट होता है, बट इसमें आपको अलग अलग मिलता है और इसके कारण से रेंज भी अच्छी मिलती है बिकॉज राउटर भी आप लोग को टेंडा का अच्छा वाला दिया गया है। तो बात करें इसके प्लान्स की कि कितना रिचार्ज आपको मंथली इसमें करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह के प्लान्स आपको डेन ब्रॉडबैंड में मिलते हैं। तो डेन ब्रॉडबैंड में आपको कुछ इस तरह के रिचार्ज प्लान्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको दो तरह के रिचार्ज प्लान्स मिलते हैं। एक जो 100 Mbps से नीचे का प्लान होता है और एक 100 Mbps से ऊपर का प्लान होता है। दोनों ही प्लान्स में आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा GST देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 339 का रिचार्ज प्लान है तो उसके लिए आपको 400 रुपीज़ देना पड़ेगा, और वैसे 699 का जो प्लान है उसके लिए आपको 826 रुपीज़ देना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेटा कैप है वो थोड़ा सा कम है बिकॉज यहाँ पे जो छोटे वाले प्लान्स हैं उसमें 1000 GB 2000 GB का डेटा कैप दिया जाता है, और जो बड़े वाले प्लान्स हैं उसमें आपको 3000 GB का जो है डाटा कैप देखने को मिलता है। और जब आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 2 Mbps की अनलिमिटेड स्पीड आपको मिलेगी सारे ही प्लान्स में। तो इस तरह के प्लान्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। बात करें इसके अवेलेबिलिटी की, तो ये जो है एक लोकल ऑपरेटर है तो काफी सारे सिटीज में आप लोग को मिल जाएगा। तो एक बार आपको पता करना होगा कि आपके सिटीज में है कि नहीं, इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हो। गूगल पे जाके आप डेन ब्रॉडबैंड सर्च करोगे तो वहां पे आपको काफी सारे नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पे आप कॉल करके देख सकते हो कि आपके सिटी में ये अवेलेबल है कि नहीं। अब बात करें इसकी सर्विस की, तो किस तरह का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो है डेन का कनेक्शन लगवाया अपने घर पे, तो मैंने उन लोगों से पूछा था तो उन लोगों ने कहा कि सर्विस बढ़िया है। एक दो बार उनको बीच में प्रॉब्लम आया था जो कि उन लोगों ने तुरंत आके सॉल्व कर दिया था, तो सर्विस अच्छी मिल जाती है। वैसे ये भी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कुछ एरिया में अच्छा सर्विस नहीं मिलता तो कुछ में अच्छा मिलता है। तो ये जो है आपको पता करना होगा कि किस तरह का सर्विस आपके एरिया पे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप रिचार्ज का प्रोसेस जानना चाहते हो कि किस तरह से डेन ब्रॉडबैंड में रिचार्ज किया जाता है, तो आप पेटीएम से या फोन पे से कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हो। तो पेटीएम से अगर रिचार्ज करना चाहते हो तो सबसे पहले पेटीएम को ओपन करो। यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज और बिल पेमेंट सेक्शन में, यहाँ ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डेन ब्रॉडबैंड, और डेन ब्रॉडबैंड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी डालनी है और यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो इजीली। तो कुछ इस तरह से रिचार्ज होता है डेन ब्रॉडबैंड में। तो गाइस, चलिए मैं आप लोग एक स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ कि इसमें कितना स्पीड मिलता है, जितना ये लोग दावा करते हैं उतना स्पीड मिलता है कि नहीं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने स्मार्टफोन पे जो इसका स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा जो वाईफाई वो करंटली यहाँ पे डेन वाईफाई से कनेक्टेड है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिससे हम इसका स्पीड चेक करेंगे, जो कि है fast.com। तो यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है और देख सकते हो कि इसका स्पीड जो है वो चेक हो रहा है।
तो इसका जो स्पीड है, मेरा 30 Mbps वाला प्लान है, तो देख सकते हो कि ये जो है वो 28 Mbps तक स्पीड आ रहा है, जो कि डिसेंट स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड हमें मिल रहा है वाईफाई से। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।